नमस्कार मित्रों, मैं हूं मिस्टर योगिनी पूजा पटेल और आज हम देखेंगे कि त्रिकोण आसन हम कैसे कर सकते हैं, उसकी रीत क्या है, उसके फायदे क्या है और किस लोगों को वे आसन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोण आसन का संस्कृत नाम कैसे रखा गया है, उसको कैसे रखा गया है। तो त्रिकोण आसन को त्रिकोण आसन क्यों बोला जाता है, तो सबसे पहले जानेंगे कि त्रि का अर्थ होता है तीन और इस आसन में हमारा सिर, हमारे दोनों हाथ और हमारे पैर वो ऐसे आकार लेते हैं जिसको त्रिकोण आसन बोला जाता है और उसी की वजह से इसको त्रिकोण आसन कहा जाता है। अभी हमने जाना कि त्रिकोण आसन का अर्थ क्या होता है, अब हम देखेंगे कि त्रिकोण आसन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोनों लेगों के बीच में 3 फीट की जगह बना लेंगे। उसके बाद कोई भी एक लेग को आपको अपने पंजों को ऐसे बाहर निकालना है, यहाँ से ऐसे, फिर दोनों हाथों को आपको शोल्डर के अकॉर्डिंग ऊपर लेना है, अपने कंधों के अकॉर्डिंग ऊपर लेना है और उसके बाद आपको लंबी सांस लेनी है, इनहेल करना है एंड एक्सहेल करते करते जितना होता है उतना बॉडी को नीचे की ओर ले जाना है और अपने जो नीचे वाला हाथ है उसको नीचे वाले लेग के पास आपको रखना है, उसके पीछे की साइड रखना है और ऊपर जो हाथ है उसकी हथेली आपको सामने की ओर करनी है। उसके बाद आपको अपने हेड को, अपने सिर को धीरे धीरे ऊपर की ओर देखना है एंड उसकी ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास करना है एंड फिर जैसे गए थे वैसे धीरे धीरे वापस आएंगे। सबसे पहले अपने लेग को अंदर लेंगे, दोनों हैंड को नीचे रखेंगे एंड धीरे धीरे दोनों लेग को ज्वाइन कर लेंगे। अभी हमने देखा कि त्रिकोण आसन हम कैसे कर सकते हैं, अभी हम जानेंगे कि त्रिकोण आसन करने के फायदे क्या हैं। तो त्रिकोण आसन करने से हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें लचीलापन आता है और साथ ही में हमारी जो जांघ है, हमारे दोनों हाथ है, पंजे है, उसको वो मजबूत बनाता है और हमारे फेफड़ों की क्षमता में सुधार करता है। अभी हमने देखा कि त्रिकोण आसन करने के फायदे क्या हैं। अब हम जानेंगे कि ये आसन में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है और किस लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जिसकी कमर और पेट की सर्जरी हुई हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो, उस लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। और साथ ही में अगर कोई इस आसन को ज्यादातर करने का प्रयास कर रहा है तो उसको बहुत खींच के आसन करने नहीं चाहिए एंड साथ ही में जिसको यहाँ पर मांसपेशियों की प्रॉब्लम हो, उसको खिंचाव हो रहा हो, कमर दर्द हो, इन लोगों को आसन नहीं करना चाहिए। अगर किसी इंसान की कमर की लचीलापन इतना ज्यादा नहीं है, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, साइड फ्लेक्सिबिलिटी, अगर फिर भी वो आसन की शुरुआत कर रहा है तो स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि उसके हाथ डायरेक्टली नीचे तक ना पहुंचे, तो उसमें कुछ नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए अपने हाथ को घुटने तक भी रख के इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका कमर की फ्लेक्सिबल बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने हाथ को नीचे तक ले जा सकते हैं। थैंक यू।